सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास स्पेशल चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है बस्तर, मुश्किल में जान दावे तमाम। दरअसल आज हमारे पास में बातचीत करने के लिए दो और महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में थे। संभव रहा तो कल या परसों में हम उस पर बात करेंगे। अभी दोपहर में कुछ घटनाक्रम ऐसा घटित छत्तीसगढ़ में हुआ कि हमें अपने विषय में परिवर्तन करना पड़ा और यह विषय हमारा बस्तर, मुश्किल में जान दावे तमाम। संदर्भ यह है कि बस्तर, जिसकी देश में पहचान होनी तो चाहिए थी आदिवासी संस्कृति के तौर पर, जिसकी होनी चाहिए थी पहचान एक हरे भरे क्षेत्र के रूप में, जिसकी पहचान होनी चाहिए थी अद्भुत संस्कृति के संदर्भ में, जिसकी पहचान होनी चाहिए थी बहुत ही कमाल की कलाकारी के संदर्भ में, हस्तकरघा के संदर्भ में, हस्तशिल्प के संदर्भ में, लेकिन वो बस्तर पिछले दो दशक, तीन दशक, चार दशक से अपनी पहचान अगर रख रहा है तो नक्सली वारदातों के संदर्भ में रख रहा है। हालात इस कदर वहां के पूरे देश के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर हम रायपुर में उतरेंगे तो शायद हमें नक्सलियों से ही सीधा सामना करना पड़ेगा, जो बंदूक लिए उनके स्वागत में खड़े होंगे। सरकारें किसी की भी रहे, चाहे भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, हर सरकार ये जताने की कोशिश करती है कि नक्सली अब बस कुछ दिन की ही बात है, पर ये कुछ दिन की बात करते करते छत्तीसगढ़ को बने हुए 22 साल बीत गए, पर नस्ल के मसले पर हम अभी तक समाधान से कोसों दूर हैं, दावे जैसे भी। इसकी पुष्टि तब होती है जब आज एक बार फिर नक्सली तकरीबन 11 जवानों को मार पाने में कामयाब होते हैं। एक आईडी विस्फोट दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत हुआ, जिसके तहत 10 पुलिस के जवानों ने और एक ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी। झड़ी लगी हुई है शोक श्रद्धांजलियों की, खेद जता रहे हैं, शोक जता रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मौके पर हम जवानों के साथ हैं, इस मौके पर हमारी संवेदनाएं जवानों के साथ हैं। साथ ही ये भी बता रहे कि नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। अब वो कायराना हरकत किस तरीके से है ये समझ पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। नक्सली सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां पर मार रहे हैं। एक हफ्ते पहले उन्होंने विधायक पर हमला किया था, कुछ समय पहले विधायक को जान से मार दिया था। इसके बाद भी सरकारी स्तर पर बयान है कमोबेश ऐसी आता है कि नक्सलियों की ये कायराना करतूत है, ये नक्सलियों की कायराना करतूत है या सरकारों की लाचारी को दर्शाते हुए ये हमले हैं। ये बता रहे हैं कि नक्सलियों के हौसले और हिम्मत कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों पर भारी पड़ते हैं, जिसके चलते हम इस प्रकार के हादसों को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा विषय ही है मुश्किल में जान दावे तमाम। दावे तमाम कौन से? देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल, दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दल लगातार बता रहे हैं कि हम सफलता के करीब हैं। एक की प्रदेश में सरकार है, दूसरे की देश में सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी नक्सली जहां चाहते हैं वहां मार देते हैं। कब तक यह सहने के लिए छत्तीसगढ़ विवश रहेगा, इस पर बात करेंगे। इस हमले के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस विषय पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से राज्य की रक्षा करना प्रत्येक राज्य सत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। आचार्य चाणक्य ने यह बात कही थी, पर आचार्य चाणक्य तकरीबन 2500 साल पहले जिस बात को कह गए, क्या उसको निभा पाने में वर्तमान राजसत्ता कामयाब रहती है? इस सवाल है। इस सवाल का उत्तर हमें नहीं बल्कि राजसत्ता के तौर पर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वो अपने नागरिकों को सुरक्षित वातावरण दे पाने में वाकई कामयाब है, वैसी ही जैसा वो दावा करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शिव रतन शर्मा जी है। 15 साल जिस भारतीय जनता पार्टी की भरोसे की सरकार प्रदेश में रही, उस भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, वह हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बस्तर से ताल्लुक रखते हैं, और साथ ही हमारे साथ में राम निवास जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक रहे हैं। लंबा अरसा छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के तहत उन्होंने बिताया है। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी से, लेकिन उससे पहले तीन बयान सुनेंगे जो इस घटना के संदर्भ में आए हुए, एक बार सुनिए। सरकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है, और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है,
और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। आज जो घटना हुई है और हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं मेरी तरफ से और पूरी छत्तीसगढ़ पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसके साथ ही पिछले दिनों से लगभग लगातार टारगेट किलिंग जो बोल सकते हैं, टारगेट किलिंग करके किलिंग किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा करता हूं। और ये मानता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पहले बुरी तरह से पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था चौपट हुई है। मुझे दंतेवाड़ा जाना था, हमारी विधानसभा की बैठक थी, लेकिन हमने उसको इनके श्रद्धांजलि के रूप में स्थगित किया है। कल बार मेरा कार्यक्रम कल का स्थगित रहेगा, बाद में कभी दोबारा होगा जब दंतेवाड़ा विधानसभा की बैठक लेना होगा, इसलिए हमने हमारा कल का प्रोग्राम स्थगित किया है। दुखद घटना है और सुनकर बहुत पीड़ा हुई। 10 जवान और एक ड्राइवर चालक जो था, 11 के 11 शहीद हुए। बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि जो बार बार दावा किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नक्सलियों पे पूर्ण नियंत्रण है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं, आज तो जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 4-5 कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या की गई, तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि पूरे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में कहाँ पे बारूदी सुरंग बिछी है, ये कहना कठिन रहता है। मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी, ये ध्यान देने लायक बात। देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जब हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और ऐसे समय पर इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं ना कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया, रोज कम से कम एक आम आदमी की वो मुखबिर के नाम से हत्या कर रहे हैं, सड़क बनाने वाली गाड़ियों को जला रहे हैं, पुलिस के जवानों को जहां पर भी अकेले में पाते हैं उनको मार रहे हैं। उसको जितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं। और जब भी कोई पुलिस पार्टी या सुरक्षा दलों की पार्टी गश्त में जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी सामने चलती है, तो आखिर रोड ओपनिंग पार्टी सामने क्यों नहीं थी, ये ब्लास्ट क्यों हुआ? और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो कुल मिला के सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरू करते हैं बातचीत की शुरुआत, और आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आपकी सरकार दावा कर रही थी अंतिम दौर में नक्सली, दूसरा भाजपा का आरोप है कि नक्सलियों को संरक्षण ही कांग्रेस की सरकार के द्वारा है, क्योंकि चुनाव में मदद की कीमत नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर ही चुकाई जा रही है। घटना बड़ी हो गई, किस दावे पर यकीन करें, कांग्रेस के, भाजपा के, या आप अपनी सुविधा से राजनीति करते रहेंगे और प्रदेश की जनता इसी प्रकार के हादसों से रूबरू होती रहेगी। सुरेंद्र जी, थोड़ी स्पष्ट टिप्पणी आपकी। हिमांशु भाई, मैं तो साफ कहने में भरोसा रखता हूं जी, आतंकी हमले पर, नक्सली हमले पर जो शख्स भी राजनीति करेगा, हमारे मरे हुए जवानों पर, शहीद जवानों पर जो शख्स राजनीति करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। पहले तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक सारे शहीद जवानों को, ड्राइवर को, सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये कायरानापूर्ण हमला हुआ है, आप लोग कुछ भी कहते रहिए, लेकिन हम लोगों के दिल से पूछिए, जिनकी सरकार होती है, जो लोग जिम्मेवारी से होते हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है, उन जवानों के माँ बापों को, भाई बहनों को, पत्नियों को, बच्चों को, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तबाह हो जाता है इस हमले में। और ऐसे में हमने तो कभी, जब हमारे महेंद्र कर्मा जी और विद्याचरण शुक्ला जी मारे गए थे, तब भी हमने तो राजनीति नहीं करी उस वक्त भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को न जाने कौन सी एक वो है कि हमेशा ये शवों पर राजनीति करते हैं, शहीदों पर राजनीति करते हैं।
कभी भी ये लोग मानते ही, मैं मतलब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का बयान थोड़ा सा सभ्य तरीके से आएगा, लेकिन बस वही इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का है। अब ये चाहते हैं कि मैं ये तू तू मैं करूं और मैं इन लोगों को ये बता दूं आकर के कि साहब जमाने में आपके, आप एनसीआरबी के आंकड़े 2018 के बाद से उठा लीजिए जी, 18 में 40% की कमी, 19 में 44% की कमी, 20 में 67% की कमी इन हमलों में आई, लेकिन मैं आपको बहुत ये मैं आंकड़े बता करके अपनी कोई बचाव नहीं कर रहा हूं जी, और ना ही नक्सली सिर्फ राज्य की समस्या है जी, नक्सली पूरे देश की समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है, सीआरपीएफ के जवान मरे हैं, सीआरपीएफ क्या नाम छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं देश की है, और एक भी जवान शहीद होता है तो दिल को दुख होता है और उस पार्टी को तो विशेष रूप से दुख होता है हिमांशु भाई, जिस पार्टी ने दो दो प्रधानमंत्री आतंकवाद के दौर में खोए हों और 26 से ज्यादा अपने बड़े कार्यकर्ता विद्याचरण शुक्ला जी महेंद्र कर्मा जी जैसे लोग नक्सली हमले में खोए हों, तो इसलिए हमें तो दर्द मालूम है, हमें तो उनके परिवारों का दर्द मालूम है, हमें तो उनके घर वालों की पूरी तबाही का मंजर मालूम है। सुरेंद्र जी, आपकी भावुकतापूर्ण बातों को सुनकर मेरा हृदय रो दिया, पर इसके बावजूद भी मेरे सवालों के उत्तर अभी नहीं मिले। आपसे जानना ये चाहता हूं, बयान दिए जा रहे थे नक्सली खत्म कहानी, अब नक्सली को लेकर छत्तीसगढ़ में बात नहीं होती, घटनाएं नहीं होती, नहीं होती तो ये क्या हो रहा है, पहला सवाल। दूसरा आपसे जानने की बात यह है कि भाजपा का यह आरोप रहा कि नक्सलियों के साथ सरकार की सद्भावना है और उनके खिलाफ ऑपरेशंस बंद कर दिए गए, नक्सलियों ने अपना विस्तार ले लिया और अब नक्सली चुन चुन कर भाजपाइयों को निशाना बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक के काफिले पर हमला हुआ तो नक्सलियों ने बयान जारी कर दिया, ना हमारा नेताजी पर हमला नहीं था, हम तो पुलिस के जवानों पर हमला कर रहे थे। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, ये भाजपा जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसका खुलकर कहना यह है कि नक्सली कांग्रेस की मदद से, कांग्रेसी सरकार की मदद से फल फूल रहे हैं, क्या कहना है सुरेंद्र जी का? मैं सबसे पहले आपकी आखिरी बात का जवाब देता हूं, मेरा स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर कि वो जो बयान जारी किया जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक पर हमला हुआ था, वो बयान भारतीय जनता पार्टी ने जारी करवाया है, चाहे नक्सली संगठन से कराया हो चाहे अपने किसी छदमवेशी संगठन से कराया हो। मैं बहुत साफ सी बात बता दूं, आप देखिए, अब आप इस वक्त अब जब आंकड़ों की बात करेंगे और जब आप प्योर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसका फिर कुछ चीजों का जवाब मिलना आवश्यक है। आप अगर ध्यान से देखें, ये इस हमले को 2017 के बाद सबसे बड़ा हमला माना गया, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये है, लेकिन 2017 में 25 जवान शहीद हुए थे जी, ठीक है। आप हमको बताओ कि 7 जवान 2017 में दंतेवाड़ा लैंडमाइन ब्लास्ट में ही मारे गए थे, 2017 में ही क्या नाम हमले में 219 बटालियन के जवान शहीद हो गए थे, 2015 में दंतेवाड़ा में बारूदी सुरंग फटने से 4 सुरक्षा बल शहीद हो गए थे, 2014 में 3 जवान घायल हो गए थे, 2012 अप्रैल 2014 में 5 जवानों से 14 लोगों की हत्या हो गई थी, क्या नाम इसके बाद 25 मई 2013 में जब झीरम घाटी का हमला हुआ तो वो आपके सामने था, फिर उसके बाद 11 मार्च 2014 में झीरम घाटी में रोकने के लिए माफी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 साल की भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार को अंपेयर कर लो जी। ये सच है कि ये हमला हुआ है, छिन्न भिन्न तरीके से उनका गोला बारूद पर हम लोगों ने प्रभावी नियंत्रण लगाया, जिस तरीके से उनके और लोगों को मुख्य धारा में लाने की पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है तो आप हमें बता दो। आज छत्तीसगढ़ की पहले पहचान होती थी, एक नक्सली राज्य के रूप में, आज छत्तीसगढ़ की पहचान हो रही है एक विकासशील राज्य के रूप में। बघेल जी के राजपूत जी का कहना है करते आप प्यार के दौरान बर्बाद कर दिया, नक्सली हवाले कर दिए थे, नक्सलियों से छीन लिया है सरकार ने, अब नक्सलियों पर बोलबाला नहीं है, अब नक्सलियों का एक नहीं है जी के द्वारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने चैनल पे बताया है, तो अभिनंदन करना चाहेंगे सुरेंद्र जी का उनके दावे का, या ऐतराज करना चाहेंगे, शर्मसार होना चाहेंगे आप अपने कार्यकाल को लेकर कि भाई हमसे तो नहीं हो पाया, आपने कमाल कर दिया, या कुछ और कहेंगे शिवरतन जी? सुरेश जी, सबसे पहले तो जो जवान शहीद हुए हैं जी,
चालक सहित जी सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी, और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जी। और माननीय सुरेंद्र जी ने दो बातें कही जी, और आरोप एक तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी लाशों पे राजनीति करती है जी, और दूसरा कहा कि रमन सरकार और भूपेश सरकार की तुलना करके देख लें जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में 2003 में ले, और नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विरासत दिया, और जिस समय हमारी सरकार बनी तो नक्सलवाद से जितना बस्तर संभाग प्रभावित था उतना ही सरगुजा संभाग भी प्रभावित था जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी सफलता ये कि सरगुजा संभाग को हम नक्सलवाद से मुक्त करने में पूरी तरह से सफल हुए थे जी, और बस्तर संभाग में घटनाएं घटित हो रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन के नेतृत्व में बहुत ईमानदारी से नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, और नक्सलवाद एक छोटे से टुकड़े में सिमट गया जी। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पीरियड में घटनाएं ही घटी, हमारे पीरियड में बड़ी घटनाएं घटी, और दो बड़ी घटनाओं का जिक्र मैं स्वयं कर देता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी करें उसके पहले। 172 जवान हमारे बड़ी संख्या में एक साथ शहीद हुए थे जी, छिड़म घाटी की घटना भी घटी थी, हमारी सरकार के पीरियड में घटी थी, पर उसके बाद भी बस्तर में हम नक्सलवाद को पूरी तरह से नियंत्रित करने में धीरे 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 सफल हो गए। पर आज क्या स्थिति है, अभी इसी महीने प्रियंका जी का दौरा हुआ था बस्तर जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रियंका जी का जो भाषण है आपको भी याद होगा जी, कभी बस्तर की पहचान नक्सलवाद के रूप में होती थी, गोलियां चलती थी, और आज शांति का टापू बन गया और लोग सैर करने आ रहे हैं, और इसी महीने में जो घटना घटी है ये बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। पर वास्तव में ये घटना घटित क्यों हो रही, आज की तारीख पे उपेश सरकार की नक्सलवाद के प्रति स्पष्ट नीति ही नहीं है, इस सरकार के मंत्रियों के बयानों में ही नक्सलवाद के मुद्दे पे विरोधाभास होता है, और ये बात तो मैं नहीं, आप सामान्य रूप से मीडिया के लोगों से बस्तर में बात कर लें, सामान्य जनता से बात कर, तो लोग बोलते हैं कि अब नक्सलियों का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में अब हमारी सरकार है, हमको समर्थन करने वाली सरकार है, इसलिए हमको अब पनपने से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है माननीय हिमांशु जी जी, माननीय सुरेंद्र राजपूत जी को मैं खाली याद दिला देता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान माननीय राज बब्बर जी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था, और 3 नवंबर को उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की, और पत्रकार वार्ता में उन्होंने नक्सलियों को क्रांतिकारी बताया, कांग्रेस के किसी नेता ने इसका खंडन नहीं किया कि राज बब्बर जी गलत बात, अब क्रांतिकारियों को आप नक्सलवादियों को आप क्रांतिकारी बताओ इनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैंने विधानसभा में कई बार कवासी लखमा जी के बयानों को लेकर के मुद्दे उठाए कि पुलिस नक्सलियों को मार रही है, पुलिस दावा कर रही है कि हमने इतने नक्सली मारे, और सरकार का मंत्री बोलता है ये फर्जी मुठभेड़ है, कोई नक्सली नहीं मरा, जो गांव वाले मरे हैं, गांव के नागरिक मरे हैं, निर्दोष मरे हैं, उनको मुआवजा देना चाहिए। जब सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारियों के बयान में अंतर आ जाए और सरकार का मुखिया मौन बैठा रहे तो इनकी नीति क्या है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। कुल मिला के नक्सलवाद के मामले में ये सरकार पूरी तरह से राजनीति कर रही, और बस्तर की अगर सीटें इन्हें जीती तो नक्सलियों के सपोर्ट से जीती थी। मैं आपको बता दूं शुरू जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कहा कि नक्सलियों के मामले में इस सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है, मैं उलझन में पड़ गया। अब तक तो भाजपा के नेता ये बताते थे कि नक्सलियों के साथ इस सरकार की मिलीभगत है, नक्सलियों को संरक्षण है, और आप यहां पर यह बता रहे हैं कि नक्सलियों के संदर्भ में इनकी स्पष्ट नीति नहीं है, तो भ्रम में कौन है, ये भ्रम में है या आप लोग भ्रम में है? पहले तो आरोप लगा रहे थे ये नक्सलियों से मिले हुए हैं, नक्सली इनसे मिले हुए हैं, और अभी आप ही बोल रहे हैं कि इनकी कोई नीति नहीं है, जब नीति नहीं है तो मिले कैसे हुए हैं, थोड़ा समझाएंगे श्रीवर्धन जी, मैं उलझ गया आपकी बात से। देखिए मैंने दो बातें कही, मैंने राज बब्बर के स्टेटमेंट का आपके सामने उल्लेख किया, आपको भी ध्यान होगा जी, और मैंने वहां जो जन चर्चा है उसका भी उल्लेख किया, और मैंने स्पष्ट नीति का अभाव इसलिए बताया कि सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी, प्रियंका जी का भाषण कुछ होता है और कवासी लखमा जी सार्वजनिक रूप से कुछ बोलते हैं जी,
विरोधाभास है इसमें। बहुत स्पष्ट बात है, नक्सलियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का समर्थन प्राप्त है और उसके चलते नक्सलवाद पे लगाम नहीं लग पा रही है। अरे शिवरेंद्र जी, अब एक सवाल और कर देता हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी आपके सवाल का उत्तर देंगे, राज बब्बर वाले संदर्भ में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये है कि कांग्रेसियों को तो बड़े आसानी से आपने कह दिया, ये तो नक्सलियों से मिले हुए हैं, नक्सलियों को संरक्षण देते हैं, और आपने तो अपनी हार का कारण भी बता दिया कि बस्तर में जीते ही ये नक्सलियों की मदद से, तो ये बस्तर की 12 सीटों पर तो नक्सलियों की मदद से जीते, पर आप तो हर इलाके में हारे और उस सरगुजा में भी हारे जिसे आपने नक्सल मुक्त कराने का दावा किया, तो वहां पर किसने वोट डलवाए कांग्रेसियों के लिए और भाजपा के खिलाफ, थोड़ा उसमें भी रोशनी शिवरतन जी आ जाए ना तो चर्चा का आनंद बढ़ जाएगा, दुख के इन क्षणों में भी कि भाई देखिए शिवरतन जी ने क्या कमाल की बात कही है। तो एक तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए और दूसरा जानना ये चाहता हूं आपसे, दूसरा सवाल कि भाई ये तो लड़ नहीं रहे, अगर आप लड़ रहे थे तो आपने कौन सी सफलता हासिल कर ली थी, आपने कौन से बड़े नक्सली मार गिराए, आपने कौन से बस्तर को नक्सल मुक्त करा दिया, तो थोड़ा इस पर भी आपकी दृष्टि से कुछ गंभीर विवेचन हो जाए तो दर्शक लाभान्वित हो जाए, कुछ हौसला आ जाए, कुछ उत्साह आ जाए, कुछ उम्मीद जाग जाए। शिवरतन जी, हिमांशु जी, मेरी बात को आपने शायद ध्यान से सुना नहीं जी, हमारी जब सरकार बनी तो नक्सलवाद से सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग दोनों प्रभावित, सरगुजा संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया जी, और इससे शायद आप भी सहमत हो जी, और बस्तर संभाग में भी नक्सलवाद एक सीमा तक नियंत्रित हो गया था, कुछ हिस्से में बाकी था, बाकी में नक्सलवाद समाप्त हो गया था। और जहां तक आप चुनाव के हार जीत की बात करते हैं ना, चुनाव के हार जीत के हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं, पर मैं बस्तर में नक्सलियों के सपोर्ट से चुनाव जीतने की बात कांग्रेस की करता हूं, तो आप रिजल्ट शीट उठा के देख लीजिए, अभी जो उपचुनाव हुआ दंतेवाड़ा या उसके पहले उपचुनाव हुए, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 2% लिंग होती थी, उन क्षेत्रों में अगर 80% और 90% पोलिंग हो रही है और वो पोलिंग कांग्रेस के समर्थन में जा रही है, तो किस बात का इंडिकेशन है? आपको विचार करना चाहिए अपनी सरकार को लेकर शिवरतन जी, देश के निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया धंधे यह उपचुनाव, और अमित शाह जी जैसा सक्षम गृह मंत्री देश का है, इसके बावजूद भी पोलिंग जो है 80% हो गई नक्सल इलाके में और कांग्रेस के समर्थन में हो गई, तो एक मजबूत देश में सरकार होते हुए ऐसी लाचार अभिव्यक्ति आई, शिवरतन जी आपके लिए विचार का विषय होना चाहिए, करेंगे या नहीं करेंगे आप जाने, पर मैं एक संक्षिप्त हस्तक्षेप सुरेंद्र राजपूत जी का लूंगा और उसके बाद मैं रुक करूंगा मनीष गुप्ता जी। दो बातें बड़ी साफ हैं जी, दो बातें बड़ी साफ है। पहली बात तो मैं राज बब्बर जी का वो बयान शब्दशः पढ़ देता हूं जी, 10 नवंबर 2018 का है, जब राज बब्बर ने कहा था क्रांति विचार और व्यवहार से होती है, हथियार से सिर्फ आतंकवादी आता है, आतंकवाद आता है, हथियार अधिकार लेने के लिए बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है, बुलेट से सिर्फ आतंकवाद पैदा होता है। ये उनका बयान था, अगर आप चाहें तो इस चीज को दोबारा से देख लें। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि जिसने भी नक्सली को क्रांतिकारी कहा होगा हम उसका निषेध करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तो सुरेश जी ने अपनी बात बहुत साफ तौर पर कह दी। बहरहाल मैं इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ, मनीष जी के पास आना चाहता हूँ। मनीष जी बड़े जागरूक पत्रकार है, बस्तर इलाके में ही रहते हैं और उनसे समझना ही चाहता हूँ। दावा हर कोई करता है, नक्सलियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो हम लड़ रहे हैं, नक्सली अब बस कल की ही बात है, पर मनीष जी कल की ही बात होते होते दशक बीत गए, पर नक्सली आज की भी बात है और ऐसी कोई उम्मीद जागती भी नहीं कि ये कल की बात ही रह जाएगी। तो थोड़ा आप बताएंगे उलझन क्या है, अड़चन क्या है, परेशानी क्या है? देखिए हिमांशु जी, नक्सलवाद को लेकर के जो सियासी दलों का जो अपना एक अभिमत है या जिस प्रकार से वो लोग इसको नियंत्रित करना चाहते हैं, ये उसके कारणों पर, उसकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। देखिए चार दशकों से नक्सलवाद बस्तर के लिए नासूर बना हुआ है और लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से बस्तर का एक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा होगा जहां पर नक्सलियों ने घटनाएं ना की हों। लेकिन जब राजनीतिक रूप से आता है, चाहे सत्ता भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी में बहुत स्पष्ट अंतर जो है ना वो दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड तो कम से कम लिया था कि नक्सलियों को हम लॉ एंड ऑर्डर की उनकी प्रॉब्लम मानते हैं और कहीं ना कहीं हम फोर्स के माध्यम से इसको
खत्म करेंगे। पर कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो अब तक एकदम धुलमुल सा रहा है। पिछले दिनों के आंकड़े अगर देखेंगे आप तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है अगर इन आंकड़ों को देखेंगे तो मतलब जो नक्सल इलाके में मुठभेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है। अभी लोकसभा में एक बस्तर के माननीय सांसद दीपक बैज जी ने एक सवाल किया था, उसके जवाब में जो जानकारी आई थी वो पिछले 5 वर्षों में 503 लोगों की हत्याएं हुई है। मसलन हर साल 100 लोगों की औसतन हत्या हुई है। तो अगर 100 लोगों की हत्या करना, 100 लोगों की हत्या होना, उसमें सुरक्षा बल और आम नागरिक या मुखबिर, कथित मुखबिर जो बोले नक्सलियों के द्वारा, वो दोनों शामिल है, अगर ये है, ये शांति का पैमाना है तो मुझे लगता है कि फिर उस पर कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन आप, हम जिस ढंग से नक्सलियों को देखते हैं, अगर आप बस्तर में 27 जो है ना छत्तीसगढ़ शासन की बटालियन है, एसटीएफ है, अपना राज्य का बल है, कोबरा है, ये अगर मिलाकर ले लें तो लगभग 2,25,000 का बल है और नक्सलियों की संख्या बताई जाती है मुश्किल से बामुश्किल 5,000 के आसपास की होगी। अगर इतना बल मौजूद रहने के बाद अगर हम नक्सलियों के अपराध पर जो है वो अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, हम नक्सलियों को नक्सल के खिलाफ जो है ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो नक्सली बट नेचुरल है कि वो सीधे रोड की ओर आएंगे। अगर आप उनके खिलाफ अटैक करेंगे तो वो जंगल की ओर भागेंगे। लेकिन आज जो स्पष्ट नीति का अभाव जो है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में, मेरा एक सीधा सवाल है मनीष जी, ऑपरेशन क्यों नहीं चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है, डरते हैं नक्सलियों से क्योंकि उनके इलाके में जाएंगे कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए, या अनुमति नहीं मिलती जिनको ऑपरेशन के संदर्भ में फ्री हैंड देना है उन्होंने रोक रखा है, बने रहो करो कुछ मत? नहीं देखिए, इसके बारे में तो मुझे लगता है सरकार और पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी सही वो दे पाएंगे, पर जो अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं उसके मुताबिक कई बार ये बात आई है कि कई बार मतलब जो इनपुट के आधार पर भी कई बार ऑपरेशन की रणनीति बनी है तो भी वो ऑपरेशन नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं जवानों के कदम रुके हैं। रुके हैं, महत्वपूर्ण संकेत है मनीष जी का। मुझे आना है रामनिवास जी के पास, लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वो हैं सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पर उनकी यहाँ मौजूदगी इसलिए है कि वो उस भीषण हमले के दौरान मौजूद थे जब विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल जैसी दिग्गज हस्तियों को नक्सलियों ने अपने घात का शिकार बनाया था। सुरेंद्र शर्मा जी उन भाग्यशाली लोगों में थे जो उस हमले में बच गए थे। तो सुरेंद्र जी, आपसे जानना ही चाहता हूं, जिन नक्सलियों ने आपकी पार्टी की पूरी एक पीढ़ी को खत्म कर दिया, इन 5 साल में उसके लिए जिम्मेदार लोगों को खत्म करने में आप क्यों नाकाम रहे, यह सवाल जहन में आता है। एक दमदार मुख्यमंत्री है, एक तेज तर्रार मुख्यमंत्री है, एक प्रचंड बहुमत की सरकार है, देश की सरकार भी बोलती है नक्सलियों के खिलाफ हर लड़ाई के लिए हम तैयार हैं मदद करने के लिए, इसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं वैसा जैसा हमले का शिकार कांग्रेस हुई थी। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी, कहां रह गए आप लोग? आपका कहना बिल्कुल सही है और आपके इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है कि जिस दंश को कांग्रेस पार्टी ने झेला है और एक कांग्रेस की पूरी एक नेतृत्व की पीढ़ी समाप्त हुई है, ऐसी स्थिति में नक्सलियों के प्रति जरा भी मोह ममता या उनके प्रति सॉफ्टनेस होने का कहीं प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और ये बात बिल्कुल अपने आप में प्रमाणित है, मैं स्वयं बस्तर का दौरा 2013 में भी किया था, अभी फिलहाल कुछ समय पहले और दौरा करके आया हूँ, और जो अंतर है हिमांशु जी वो अब साफ साफ दिखाई देता है। स्कूल खुले हैं, सब सड़कों में, और मतलब जहाँ बिहड़ इलाका है उन इलाकों में भी सड़कों का निर्माण हुआ है और परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन तो निश्चित रूप से आया है। अब सवाल यह है, अभी तक सारी बातें होती रही, छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, मगर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले प्रियंका जी आई थी और माननीय भूपेश बघेल जी वहाँ जगदलपुर में थे, उस वक्त की का तो आपने उल्लेख किया,
मगर लगभग उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी प्रवास जगदलपुर हुआ था। उन्होंने तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कैंप किया था और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा था, इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा था कि बस्तर में नक्सली अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक किनारे में जा चुके हैं। तो एक बात समझ लीजिए आप, नक्सलवाद के खिलाफ की लड़ाई केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर लड़ती है, योजनाएं भी मिलकर बनाई जाती हैं। तो जब माफ कीजिएगा सुरेन जी, कौन आपकी बात पे भरोसा करेगा? आप यहीं पर देख रहे हैं सुरेन राजपूत जी क्या बोल रहे हैं, आप यहीं पर देख रहे हैं शिवरतन शर्मा जी क्या बोल रहे हैं। आप यहां पे बड़े आराम से दावा कर दिए केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर लड़ती है, हम तो देख रहे हैं दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आप सुरेन जी दावा कर रहे हैं दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, किसकी बात में एतबार होगा? आपने देखा नहीं क्या कार्यक्रम का हिस्सा है ना? आप दोनों बता रहे हैं मिले हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, वो बता रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, और सुरेन जी कह रहे हैं दोनों मिलकर बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कहें, किस पे एतबार करें? जी सुरेन जी शर्मा जी, नहीं नहीं देखिए ये तो ऐसा है, एतबार तो जो सरकार जो जी मुझे पूछ रहे हैं ना जी, जी शर्मा जी नहीं इस पे यकीन नहीं करने का कोई कारण भी नहीं है जी। दरअसल मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इसको राजनीति का विषय बनाने की जो कोशिश होती है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसको राजनीति का विषय बनाना ही नहीं चाहिए और ये बात बिल्कुल तय है कि इसको केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर ही योजना बनाती है और मिलकर ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि नक्सलवाद की घटना सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, उससे उड़ीसा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तमाम इलाके इसमें जुड़े हुए हैं और इसमें सारी रणनीतियां मिलकर बनती हैं। सुरेश शर्मा जी बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं मिलकर रणनीति बनाते हैं मिलकर योजना बनाते हैं और हमले नक्सली कर जाते हैं। सुरेन राजपूत जी हमें फेरिस्त से सुना रहे थे, हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कौन सी तारीख में कब हमला हुआ, कितने जवान मरे, कौन बड़ा नेता मरा, कौन सी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, पर हमें फेरिस्त नहीं मिलती। 130,000 जवान हैं बस्तर इलाके में, 10 साल से टिके हुए हैं, एक फेरिस्त हमें ऐसा मौका भी तो मिले। ये देखो पुलिस ने ऑपरेशन किया, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया, इतने नक्सली इसमें मारे गए। वो दो चार के दावे भी होते तो अदालत में बताया जाता है कि निरी गरीब गांव वाले मारे गए, सवाल उठेगा ना, भरोसे पे संदेह होगा ना सरकारों के दावे पर। तो मेरे साथ में रामनिवास जी हैं, डीजी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, शिवरतन जी ने जो दावा किया वो हकीकत से दूर नहीं है, सरगुजा नक्सल मुक्त हुआ पर बस्तर क्यों नहीं होता, ये सवाल जहन में आता है, इसका उत्तर क्या रामनिवास जी आपके पास है, क्यों नहीं हो पा रहा? नमस्कार डॉक्टर मानसु जी, सबसे पहले तो मेरा जवानों के प्रति संवेदनाएं हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, वो जो 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं। बस्तर जो है ये एक पूरी जिसको कहें कि पूरे देश की नक्सलवाद की धुरी है जी, और ये कैंसर की बीमारी के तरीके है, चाहे ये वो राजनीति बातें छोड़ें कि विरासत में मिला और हमने अच्छा कर दिया है, अब किसने किया, जो भी सरकार रही उन्होंने भरपूर कोशिश की, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री उसकी मूलभूत जिम्मेदारी है कि वो नहीं चाहेंगे कि उसके क्षेत्र में नक्सली घटनाएं हों, वो तरीका अलग अलग हो सकता है, कुछ कहें कि इस तरीके से करें कुछ दूसरे तरीके से करें, लेकिन उनके जिम्मेदारी जो भी मुख्यमंत्री जी रहेंगे उनकी रहेगी कि उसके क्षेत्र में नियंत्रण बना रहे जी। और 2010 में नक्सलवाद एक तरीके से, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ अलग बना था तो पुलिस बल थे नहीं, वो 15 साल 5 साल का भी कोई कंपैरिजन मायने नहीं रखता है जी। ये तो आंकड़े बताते हैं, एक माननीय इंदिरा गांधी जी का हत्या जो है वो पूरे देश को इतिहास बदल गई, इतनी घटनाएं होगी, एक सामान्य मर्डर का भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये आंकड़े जो है ये कोई कंपैरिजन नहीं बनते हैं। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ ने काफी 2010 के बाद प्रोग्रेस किया, नक्सलवाद पर नियंत्रण का बहुत अच्छा प्रयास रहा और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अच्छा प्रयास है, लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं वो उसकी, क्योंकि बस्तर में ये कहूँ कि 5 और 6 ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी एक तरीके से अवैध बने हुए हैं, वो नक्सलवाद के गढ़ बने हुए हैं,
और उन क्षेत्रों में जब तक हम धीरे धीरे जाके कोई भी एक पुलिस पिकेट जब बनती है तो 4 किलोमीटर के दायरे में ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जब अरनपुर की पुलिस पोस्ट हमने पहली बार स्थापित की थी उसमें 4 कैजुअल्टी पुलिस पोस्ट लगाने के अंदर हो गई जी। और आप उसके अंदर सड़कें बन गई हैं, सारी चीजें हो गई, ये भी दोनों सरकारों की मिली जुली सहायता से मदद से ही होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन से होता। भारत सरकार पैसा देती है नेशनल हाईवे के लिए, सरकार बनाती है तो ये किसी का भी, तो इस प्रकार से जो है जो 5 क्षेत्र जिसमें कहेंगे कि 5 क्षेत्र के अंदर हमारी 15 बटालियन की रिक्वायरमेंट और है ये। और वो 15 बटालियन की 4-4 किलोमीटर पर जब एक तरीके से ग्रिड बन जाएगा तो नक्सलवाद को हम कहेंगे कि पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ ये है कि हमको ऑपरेशन जरूर चलाने पड़ेंगे। ये ऑपरेशन यदि ढीले हुए तो कैंसर में 99% पर लेके आए और फिर 1% कैंसर बच गया तो वापिस फिर 50% पर और 60% पर या मौत भी कर सकता है। तो जब तक ये नक्सलवाद की समस्या को पूरा ना निपटाया जाएगा कि एक बार पुलिस छत्तीसगढ़ की पुलिस की संख्या 75,000 होगी और वो भी काम करेगी, 75,000 अकेली संख्या से काम नहीं चलेगा, और उधर 1,00,000 की संख्या जो है वो CACF की होगी और तो छत्तीसगढ़ प्लस पूरा बस्तर को मिला के वो संख्या लड़ने के लायक होगी और लड़ाई जब होगी तो अच्छी तरीके से कर सकेगी। मैं थोड़ा समझ पाने में नाकाम हो गया रामनिवास जी आपकी बात को, इतनी फोर्स है आप बता रहे 5 बटालियन और चाहिए और ऑपरेशन चला दिया जाए तो समाधान हो जाएगा, तो ये 5 बटालियन छत्तीसगढ़ सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है या भारत सरकार देने के लिए तैयार नहीं है या दोनों सरकारें तैयार है जवान आने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा बताइए आप। भारत सरकार भी देने को तैयार है, छत्तीसगढ़ भी क्या क्या है कि मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण दे के बताऊंगा कि 15 बटालियन का ये है कि जब हम धीरे धीरे, क्योंकि यदि 15 बटालियन भारत सरकार दे भी देगी तो छत्तीसगढ़ पुलिस को एकदम उनको लगाने के अंदर वो संभावना नहीं रहेगी। वहाँ उस क्षेत्र में रोड बनाना, उस क्षेत्र में इंटेलिजेंस नेटवर्क करना, उस क्षेत्र के अंदर सारा करना, जैसे अबूझमाड़ का क्षेत्र है 300 किलोमीटर के अंदर कोई एक भी कोई सरकारी काम सरकारी कार्यालय ही नहीं है, तो उस क्षेत्र के अंदर बटालियन को स्थापित करने के बाद जो है वो कुछ आसान काम नहीं है। तो 15 बटालियन मान लीजिए एक बार दे भी दें तो लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको लगाने के अंदर समय अपना लेगी, क्योंकि एक समय ऐसा है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि 5 साल के बच्चे को यदि हम पूरे विटामिन और बादाम खिला के 15 साल का कर देंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। रामलाल जी आप मुझे बहुत डरा रहे हैं और हमारे देश के बड़े नेताओं को सीधे तौर पर झूठा कहलवा दे रहे हैं, हमारे देश के बड़े नेताओं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा नक्सली बस अंतिम दौर में है, माननीय सुरेंद्र जी हैं तो वो देश के गृहमंत्री अमित शाह के हवाले के संदर्भ में बता रहे, उन्होंने कहा बस अंतिम दौर में है, और आप जैसा अनुभवी पुलिस अफसर हमें ये बता रहा है कि 15 बटालियन चाहिए और 15 बटालियन भी तुरंत लगा ही नहीं सकती, धीरे धीरे लगेंगी, तो धीरे धीरे का मतलब कितना साल, 2 साल 5 साल, तो भरोसा किस पे करें, आप पर करें, अमित शाह जी पर करें या भूपेश बघेल जी पर करें, उलझन में पड़ गए तो रामनिवास जी आप ही बता दीजिए ना किस पे भरोसा करें, ये नक्सली कब तक के लिए निश्चिंत रहे। ये मैं उनसे, क्योंकि हमारे जो सम्मानित नेता है उनसे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रोफेसर के रूप में आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आप आगे नतीजा खुद देखेंगे, रामनिवास जी ने बता दिया जो सपना दिखाया जा रहा है और जो दावा किया जा रहा है वो हकीकत से कितनी दूर है। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ शर्मिंदगी है आपको कि यार हम लोग क्या लोगों को बताते हैं, क्या उम्मीद जगाते हैं, क्या बहका देते हैं, बोलते जरूर है राजनीति मत कीजिए, पर राजनीति के अलावा और कर क्या रहे हैं। रामनिवास जी तकरीबन 33 साल पुलिस सेवा में बिताए और नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाले, डीजी रहे, उन्होंने बता दिया टाइम लगेगा, अभी बहुत जगह बाकी है, कैंसर है, पहले जमावट कीजिए फिर ऑपरेशन कीजिए तब समाधान की उम्मीद कीजिए, क्या कहते हैं आप। देखिए हमें तो चूंकि हमारा झूठ नहीं बोलता, भूपेश बघेल जी झूठ नहीं बोलते, तो हमें तो शर्मिंदगी नहीं है, अगर शर्मिंदगी हो भारतीय जनता पार्टी वालों को हो तो हम कह नहीं सकते, वो जाने उनका काम जाने,
और मैंने तो आपकी क्या नाम राजनीतिक चर्चा की शुरुआत ही इसमें की थी कि इस मामले पर राजनीति ना हो तो बेहतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने राजनीति शुरू करी। ये बात अपने आप में हमारे शर्मा साहब की बिल्कुल सच है कि मैंने भी आपसे पहले कहा था कि सीआरपीएफ तो हमारी फोर्स छत्तीसगढ़ की तो है नहीं, केंद्र की फोर्स है, मिलकर के ही लड़ रहे हैं, और जब तक लोकल प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन साथ में मिलकर के नहीं लड़ेगा वो अपने आप में पूरा नहीं होगा। एक बात बहुत साफ, अगर आप मिर्घा जी मिर्जा साहब की बात को देखें तो उन्होंने कहा कि एक कॉर्नर में हो गए, लगभग 300 किलोमीटर के एरिए में हो गए, और बिल्कुल सच बात है। हमारी बात में और उनकी बात में, यानी भूपेश बघेल जी की बात में और उनकी बात में कहीं कोई अंतर है ही नहीं। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, चूंकि उन्होंने राजनीतिक रूप से एक प्रश्न किया था कि कांग्रेसी बस्तर में कैसे जीत जाते हैं, तो भाई कांग्रेसी तो 2018 में जीते थे, जब से लड़ाई हुई है, जब से क्या नाम छत्तीसगढ़ की सत्ता आई है सरकार, वो तब से तो आप बस्तर में जीत रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप नक्सलियों के साथ मिले हुए थे। क्या अमित शाह जी क्या नाम इस बात को ताईद करेंगे या आप ताईद करेंगे कि जब जब आप जीत रहे हैं तो आप नक्सलवादियों नक्सलियों से मिले हुए? इस तरीके की बात करके आप किसको भरमाना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाशों पे बैठ के राजनीति क्यों करना चाहते हैं? ये बात सच है कि नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में, इसमें भी कहीं दो राय नहीं, बिल्कुल कॉर्नर हो गया है और बिल्ली की तरीके से उसने झपट्टा मारा। जी, इस प्रदेश को 10 साल से ज्यादा समय हो गया इस दावे को सुनते हुए, नक्सली बस कॉर्नर हो गए, तो पता नहीं कोना इतना बड़ा क्यों है। अब दंतेवाड़ा की भौगोलिक स्थिति को आगे जानिए तो आपको पता चलेगा, बस्तर के बीचों बीच दंतेवाड़ा है जहां के संदर्भ में घटना है, बीजापुर भी कोना है, दंतेवाड़ा भी कोना है, जगदलपुर शहर में हो जाए तो मानोगे क्या कि शहर में? आपसे सवाल इस बात को लेकर है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आप नेताओं के बयान ही दरअसल ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं? जब जब नेता मंच से यह भाषण देते हैं कि नक्सली बस खत्म, शांति का टापू हो गया, नक्सली इतिहास की बात हो गई, वैसे ही नक्सली वारदात करके ये एहसास कर गफलत में हो हम हैं और दमदारी से हैं, क्या इसके संदर्भ में सोरेन जी कुछ कहोगे आप? विनम्रता पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं। निश्चित ये मुझसे कर रहे हैं आप सवाल? जी सोरेन राजपूत जी, जी मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब दिया बुझ रहा होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाती है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, और ये बात सच है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको अंत तक उनके गंतव्य तक पहुंचा करके हम वापस आएंगे। हम सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, मुझे याद आ रहा है जीरम घाटी का समय, उस समय भाजपा ने ऐसा बयान दिया था, जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है, जीरम का हादसा बौखलाहट है। ये कैसी फड़फड़ाहट है शिवरतन जी, जो 10 साल से फड़फड़ा ही रही है और हम बस इस उम्मीद के साथ है, बस बुझने वाला है बुझने वाला है, 13 से 2023 हो गए, क्या कहते हैं आप? गफलत में नहीं है, गलतफहमी में नहीं है? माननीय सुरेंद्र जी ने कहा कि नक्सली कारण हो गए जी, पहले तो मैं उस बात का खंडन करता हूँ जी। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं जी, और 7 जिलों में लगातार नक्सलवाद की घटनाएं घट रही है जी। 2022 के मार्च अप्रैल में कोंडा गांव को नक्सलवाद से मुक्त जिला घोषित किया गया जी, और दो महीने बाद ही वहां एक आरक्षक की हत्या हुई, नक्सलवादियों ने एक जनप्रतिनिधि की हत्या की जी, जिसको मुक्त किया गया। उसमें कांकेर में घटना हुई है, नारायणपुर में घटना हुई है, कोंडा गांव में घटना हुई है, दंतेवाड़ा में घटना हुई है, बीजापुर में अभी हाल में घटना हुई है, सुकमा में लगातार घटना घट रही है, बस्तर जिले में घटना हो रही है। 7 जिले में अगर नक्सलवादी घटनाएं घट रही है तो नक्सलवादी एक कारण में कैसे सिमट, पहली बात। दूसरी बात, राजपूत जी बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा लाशों पर राजनीति कर रही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब तक का इतिहास उठा के देख लो, जितनी नक्सली घटनाएं घटी है उस नक्सली घटना पे राजनीति करने का काम तो कांग्रेस ने किया, और मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने किया है। सीरम घाटी की घटना हुई, जो नेता मारे गए वो सिर्फ एक पार्टी विशेष का नुकसान नहीं था, वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक और बड़ी पीड़ादायक घटना हुई। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ कि मेरे पास उस घटना के सारे सबूत हैं, पर मैं सबूत इसलिए पेश नहीं कर पा रहा हूं कि अगर मैं सबूत पेश करूंगा तो लोगों को सुरक्षा कौन प्रदान करे। आज 4.5 साल से माननीय भूपेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब तो सुरक्षा देने में सक्षम स्वयं है, क्यों सारे सबूत प्रस्तुत नहीं करते? जो झेरम घाटी के दोषी हैं उनका नाम सामने आता, उनको सजा मिलती। आज ऐसे सबूत को अगर छिपा रखे हैं तो उसके लिए दोषी कौन है? नक्सलवाद पे राजनीति कौन कर रहा है?
मैं माननीय राजपूत जी से पूछना चाहता हूं, वो भूपेश जी से बातचीत करें और झीरम घटना के जो सबूत है उसको सार्वजनिक करें ताकि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को सदन में 10 बार बोल चुके हैं, तब एनआईए के सामने उन सबूतों को प्रस्तुत करने में तकलीफ क्या है? भीमा मंडावी की घटना होती है तो एनआईए जांच कर ले, अभी 4 लोगों की टारगेट किलिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो डीजी ने पत्र लिखा कि सारी घटना की एनआईए जांच कर ले। जब 4 घटना की एनआईए जांच कर सकती है तो झीरम घाटी के सबूत जो मुख्यमंत्री के पास है उसको एनआईए को देने में क्या तकलीफ है माननीय मुख्यमंत्री जी? श्रीमती जी, मैं एक उलझन में पड़ गया आपसे। आपने कहा कि मैं इस दावे पे एतबार नहीं करता कि नक्सली कॉर्नर हो गए, गलत, इस जिले में भी, उस जिले में, उस जिले में। मैं समझ नहीं पा रहा आप अमित शाह जी के इतने खिलाफ क्यों हैं? भाई देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है ऐसा अमित जी बताते हैं, उन्हें बताया कि इतने जिले नक्सल मुक्त भी हो गए हैं। देश की सरकार के स्तर पर भी नक्सलियों के संदर्भ में जिम्मेदारी है, या आपने मान लिया है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, मतलब पूरे देश के संदर्भ में अमित शाह दमदार हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ऐसा मामला नहीं है? तो ना तो भूपेश जी यहां पे सक्सेस हो रहे हैं, ना ही अमित शाह जी सक्सेस हो रहे हैं, दोनों से आपकी शिकायतें शिकवाएं, ऐसा क्या श्रीमती जी? हिमांशु जी मेरी बात सुन ले, देखिए अमित शाह जी पूरे देश के गृहमंत्री जी, और नक्सलवाद के मामले में उनका जो बयान आया जी वो पूरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था, और ये बात बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो नक्सलवाद की घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी आई है जी। पर आज सबसे ज्यादा नक्सलवाद की घटनाएं कहीं घट रही है वो छत्तीसगढ़ में घट रही है। और मेरा सवाल इसी पे तो श्रीमती जी, अमित शाह जी का अभी तक कभी बयान नहीं आया ये छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों के खिलाफ ठीक से लड़ नहीं रही है, कभी अमित शाह जी का ऐसा बयान नहीं आया कि भूपेश बघेल नक्सलियों के मददगार है या ये सरकार नक्सलियों की मददगार है, तो कैसे आपकी बात पे यकीन करेगी ये सरकार जो है नक्सलियों के खिलाफ लड़ नहीं रही? ये सवाल तो जहन में आता है ना? नहीं नहीं बिल्कुल अमित शाह जी ने कभी बयान नहीं दिया, और एक राष्ट्रीय माने देश का गृहमंत्री इस प्रकार का बयान देगा भी नहीं। पर आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 125,000 का पुलिस फोर्स, आप स्वयं बता रहे हैं बस्तर में है, आप स्वयं पता कर लीजिए सर्चिंग कितनी हो रही है। तो भाई मेरे से बोल रहे हैं शिवरतन जी, पता कर लीजिए सर्चिंग कितनी हो रही है, पर देश की सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि सर्चिंग नहीं हो रही है? ये सवाल जहन में आता है। मुझे आना है मनीष जी के पास, लेकिन संक्षिप्त से सुरेश राजपूत जी का सुनते हैं। जी राजपूत जी, 3-4 चीजें अभी शिवरतन जी फिर से वही राजनीति कर रहे हैं। भाई आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए ना, हमसे क्यों कह रहे हैं? तो आप ही की सरकार दे रही है, आपकी सरकार दे रही है कि 2018 से लगातार नक्सली हमलों में कमी आई है, 66% की कमी आई एक साल, उसके बाद क्या नाम एनसीआरबी के आंकड़ों में टोटल अपराध को मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, दोनों 2021 में 12वें नंबर पर था। इस तरीके की बातें आप कर क्यों रहे हैं? हमें एक चीज नहीं समझ में आती, जब नक्सली ऑपरेशन केंद्र और राज्य सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी है और लगातार उन हमलों में कमी भी आई, एक भी हमला हो वो दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात से मैं सबकी सहमत हूं, लेकिन आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए ना कि केंद्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर हम अब पलट करके सवाल पूछ लें तो कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, ये आप किस तरीके से कह पा रहे हैं? दूसरा आप हमें यह बता दीजिए 2018 से पहले बस्तर में आप जीतते कैसे थे? हम तो सारी सीटें हार जाते थे, आप 2018 से पहले जीत कैसे तो रहे? कुल मिला के एक हार हुई तो नक्सलियों के हवाले आपने उस जीत को समर्पित कर दिया, ये सुरेंद्र राजपूत जी जानना चाहते हैं शिवरतन जी से। इस पर हम बात फिर कभी करेंगे, अभी हमारी बातचीत के केंद्र में तो कुल मिलाकर नक्सलियों का खात्मा है। जी शिवरतन जी, पहला तो मैं बता दूं कि 2013 के इलेक्शन में भी कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, हम 4 सीट जीते थे जी। और दूसरी बात, आपने कहा अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी प्रदेश की सरकार जितनी फोर्स मांग रही है उतनी फोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, पर जो यहाँ केंद्र की फोर्स आती है समन्वय स्थापित करके लीड करने का काम लोकल पुलिस का रहता है, स्थानीय पुलिस का रहता है, उसमें स्थानीय पुलिस कितना सामने आ रही, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ फोर्स आई और कैंप में पड़ी रही, इनके जो कैंप बनने चाहिए थे वो कैंप भी कितने लेट बने, इसकी जानकारी माननीय राजपूत जी कर लेंगे ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा होगा शिवरतन जी का ये कहना है, पर एक सवाल लोगों के जहन में रहेगा, अगर फोर्स सेंट्रल से आई हुई है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो क्या इस पर केंद्र ऐतराज नहीं जताएगा?
क्या इस पर केंद्र को सार्वजनिक रूप से बात नहीं करनी चाहिए? क्या यह विषय कभी सार्वजनिक रूप से संज्ञान में लाया गया है? ऐसे उल्लेख नहीं मिलते। लेकिन हम अब आखिरी दौर की बातचीत पर हैं। मनीष जी मेरे साथ में हैं। मनीष जी, केवल मुझे बस्तर के लोगों की मानसिकता को जानना है। बस्तर के लोग क्या मान रहे हैं? रायपुर में बैठे हुए नेता तो बयान बड़ी आसानी से दे देते हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग प्रतिक्रिया दे देते हैं, पर बस्तर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है नक्सल बस कल की बात है, बुझता हुआ दिया है? या बस्तर के लोग महसूस कर रहे हैं फोर्स पर फोर्स आ रही है, आम आदमी के लिए दुश्वारी पैदा हो रही है, पर जिस समस्या से निजात के नाम पर यह फोर्स बुलाई जा रही है वो समस्या अभी कहीं दूर होती दिखाई नहीं दे रही है? क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, ये जो फोर्स का मामला है ये वाकई राज्य सरकार को तय करना है। ऑपरेशन कहाँ चलाना है, किस प्रकार से चलाना है, जब तक राज्य सरकार, राज्य पुलिस जो है वो इस पे जो कमांड बनी हुई है, कमांड निर्णय करता है। रही बात बस्तर की, तो बस्तर में आज भी बस्तर के लोग शांति चाहते हैं। बस्तर में हर वो चीज है जो कि बस्तर को विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। बस्तर में हर वो चीज है जो बस्तर को आज मतलब पर्यटन हो या संस्कृति के माध्यम से हो, बस्तर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित कर सकता है। बस्तर के लोगों को रोजगार चाहिए, बस्तर के लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए। आजादी के बाद से मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ जगदलपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक अभी मेडिकल कॉलेज जो है वो जगदलपुर में है, अभी कांकेर में जो है वो 7 दशक बाद खुला है, अभी दंतेवाड़ा की बात की जा रही है। बस्तर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, बस्तर के लोग विकास चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से फोर्स है उसका उपयोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस भी माध्यम से हो बस्तर में शांति आए, चाहे फोर्स लेकर के आए या सरकार लेकर के आए, बातचीत करें या नक्सलियों से लड़ाई करें, जो भी हो बस्तर को शांति चाहिए। और इस दिशा में बस्तर का युवा, बस्तर का हर आदमी उसकी इच्छा है और वो उस दिशा में चाहता है। के पास रुक करना चाहता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी के पास में, और सुरेंद्र जी आपसे जानना ये चाहता हूँ, क्या आज की घटना के बाद हम उम्मीद करें नक्सलियों के संदर्भ में राज्य की नीति कुछ बदलेगी? क्योंकि कभी बोली की बात करते हैं, कभी गोली की बात करते हैं। नक्सली मुख्यधारा में आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, वो जब भी चाहते हैं गोली ही से बात करते हैं, फिर भी हम बयान देकर अपने आप को थोड़ा प्रगतिशील, थोड़ा मानवाधिकार के समर्थक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। आपने तो प्रत्यक्ष तौर पर अपने नेताओं को हमले में मरते हुए देखा है, क्या आपको लगता है कि बातचीत के आधार पर समाधान की बात वाकई जाए जाए, या अब आज की घटना के बाद सरकार आर पार के मूड में आए, विस्तृत अभियान चलाए जिसके संदर्भ में बार बार बात आ रही है कि भाई फोर्स से बुला लिया, अभियान तो चलाओ, क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, दरअसल मैं एक बात तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से 2013 में भी गया था बस्तर, अभी कुछ समय पहले 2 महीने पहले भी गया था। एक अंतर तो आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा, इस बात को आम जनता के बीच में भी इसकी स्वीकारोक्ति है कि बहुत बस्तर में परिवर्तन आया है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि अगर हमारी सरकार ने 3 नीतियों पर काम करना शुरू किया है, विश्वास, विकास और सुरक्षा, तो सुरक्षा पर अभी जो चुनौती मिली है, तो मेरा मानना यह है कि नक्सलियों के साथ जरा भी रहम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार एकदम कड़ाई के साथ उनका नेस्ट नाबूद करेगी और इसके लिए हर संभव वो कदम उठाएगी जिसकी आवश्यकता है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जवान या पुलिस के जवानों की जो शहादत हुई है उसे भारी पीड़ित हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारी सरकार भी, और छत्तीसगढ़ की जनता भी, और मेरे ख्याल से देश की जनता भी। मेरी तो अपील ये है कि इसको राजनीति का विषय न बना करके नक्सलवाद को पूरा समूल नष्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इस बात की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, और कल वो स्वयं जा रहे हैं दंतेवाड़ा, और आने वाले समय में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कड़ाई से इसका मुकाबला होना चाहिए, ये बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए अब रामनिवास जी आपके पास रुक कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी हमें बता रहे हैं, प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आज कर्नाटक दौरे पे जाने वाले थे उन्होंने रद्द कर दिया, कल वह दंतेवाड़ा जा रहे हैं। पर दंतेवाड़ा जा रहे हैं तो करेंगे क्या, ये सवाल जहन में आता है। क्या आप नहीं मानते हैं कि अब कुल मिलाकर एक सघन ऑपरेशन चलाए जाने की जरूरत है, केंद्र की फोर्स और राज्य की फोर्स के द्वारा? तो ही दौरे का कोई मायने है, केवल संवेदनाएं व्यक्त करने, श्रद्धांजलि व्यक्त करना
दरअसल इस शहादत का वो सम्मान नहीं है जो इस समय समय की पुकार है, क्या कहते हैं? नहीं, इसमें अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो जरूर वो वहाँ निर्णय लेके और मार्गदर्शन करेंगे जी, और आने वाले समय में मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि ऑपरेशन चला के विकास भी हो, विश्वास भी हो, सुरक्षा भी हो, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि नक्सलवाद में कभी भी ये बात उसकी करें कि आपस में बातचीत, तो ये इनके ना पास पास कोई मुद्दा है और किस विषय पे बातचीत करेंगे, तो वो बातचीत का मुद्दा तो हमेशा के लिए ही इनके साथ कोई लागू हो नहीं सकता, क्योंकि और ऑपरेशन की और विकास की बात जो है, विश्वास की बात, वो आम जनता के अंदर होनी चाहिए और जितनी जल्दी से ऑपरेशन करके आम जनता को मदद दी जा सकती है बस्तर के अंदर देनी चाहिए, और मेरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पे अच्छा कार्रवाई करेगी, अच्छी कार्रवाई करके रामनिवासी कह रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बातचीत का निचोड़ है तो ये कि कब तक हम ऐसे आंसू बहाएंगे और कब तक एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये कहते हुए अपनी राजनीति से बाज नहीं आएंगे। सच बात यह है कि नक्सलियों के संदर्भ में एक तो दोनों ही सरकार, राज्य और केंद्र की तरफ से स्पष्ट संदेश होना चाहिए कि अब संवाद का समय बीत गया, समर्पण या संहार, सरकार को केवल इस नीति को ही अमल में लाना चाहिए। फोर्स दिखावे के लिए नहीं बल्कि कार्य करने के लिए होनी चाहिए, ऑपरेशन करने के लिए होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को एक समय सीमा के भीतर नक्सल मुक्त करने का संकल्प अगर दोनों सरकारों की तरफ से साझा रूप से तय किया जाए, उम्मीद करते हैं कि आज जो 11 जवान, 10 जवान और एक चालक ने अपनी जो जान गंवाई है वो वस्तुतः व्यर्थ नहीं जाएगी, अन्यथा कुल मिलाकर कुछ मोमबत्तियां, कुछ फूलमालाएं, कुछ पुष्प चक्र, इनके माध्यम से हम औपचारिकता ही पूरी करेंगे और बाकी जवान प्रतीक्षा करेंगे कि वो कब इस अंजाम को प्राप्त होने वाला है, समय रहते हुए कदम उठाए, इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। निराशा के इस दौर में उम्मीद अभी हमने छोड़ी नहीं है और इस उम्मीद को जगाती हैं साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां, तो आज की प्रासंगिक पंक्तियां हमें कहती हैं कि जिस सुबह की खातिर जुग जुग से, कि जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन्हें भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो कर्म फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह का बस्तर को इंतजार है, देखें वो सुबह कभी तो आएगी, पर अब सवाल है कब आएगी, इसका उत्तर देखें हमें कब मिलता है। बहरहाल अब मुझे याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।